अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद आप सबका आपके अपने चैनल जिसका नाम है रूल्स ब्रेकर्स और मैं हूं उस्मान। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरे चैनल पर कॉपीराइट का इशू आया था, जिसकी वजह से मुझे सारे ओएसटी वगैरह डिलीट करने पड़े और उनको मैं दोबारा भी यहां पर अपलोड नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या होगी कि वो डिलीट हो जाएंगे या उन पर फिर दोबारा कॉपीराइट का इशू आएगा चैनल पर, तो इसलिए मैं उनको दोबारा यहां पर अपलोड नहीं कर सकता। लेकिन आप लोगों की इतनी रिक्वेस्टें थी, आप लोग पुरानी ओएसटी अभी भी रिक्वेस्ट नहीं करे, तो मैंने सोचा कि मैं उनको दोबारा अपलोड करूँ, जो कि आप लोगों को मिलेंगे मेरे फेसबुक पेज पर। यहाँ पर आपको सिर्फ उसका स्टार्टिंग और एंड का रिव्यू मिल जाएगा। कुछ रिएक्शन मैंने अपने दोस्तों के साथ दिए हुए हैं और कुछ रिएक्शन मैंने खुद ही अकेले दिए हुए हैं। लुक मेरी बहुत ज्यादा चेंज होगी। मैंने सोचा पुराने जो ओएसटी आप लोग रिक्वेस्ट नहीं करते थे उनको मैं दोबारा अपलोड कर दूं। मेरा मोस्ट फेमस हुआ था जा तुझे माफ़ किया, जो सॉन्ग था वो हुआ था बहुत ज़्यादा फेमस। ओएसटी मेरा बहुत ज़्यादा रिएक्शन चला था, उस पर कोई 1 लाख से ऊपर व्यूज़ आए थे। तो लेकिन कहते हैं कॉपीराइट की वजह से मुझे डिलीट करने पड़े। वो सारे ओएसटी आपको मेरे फेसबुक पेज पर मिलेंगे और यहाँ पर मैं उसको रेगुलर अपलोड करता रहूँगा। ये वीडियो हर वीडियो के स्टार्टिंग में हुआ करेगी, बाकी आप एंड का जो भी हुआ करे वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आप मेरी सारी नोटिफिकेशन हासिल कर सकें और आपको मेरी रेगुलर वीडियोस भी मिलती रहेंगी, साथ में पुरानी वीडियोस भी, ठीक है। दुआ में जरूर याद रखिएगा। और अब पूरा ओएसटी देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा हर वीडियो के, आप जरूर जाके चेक करिएगा कहाँ पर। 3, 2, 1 है मेरे फैमिली, वेलकम बैक टू मेरे चैनल में गाइस। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट अगर नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करो। और गाइस कमेंट करके भी बताओ कि आपने सब्सक्राइब किया। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो कमेंट में बताइएगा। और गाइस जैसे कि मैंने बोल दिया कि मैं ओएसटी पे रिएक्शन बनाया करूंगा, लेकिन अगर मुझे कॉपीराइट का क्लेम आ गया तो मैं वीडियो पब्लिक कर दिया करूंगा, क्योंकि फिर स्ट्राइक की प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर कहा गया तो पंगा, लेकिन अगर क्लेम नहीं आया तो मैं वीडियो की रिक्वेस्ट जो होगी उसकी क्या बोलते हैं ईमेल कर दिया करूंगा चैनल वालों को रिक्वेस्ट के लेके मुझे वो परमिशन दे दिया। अगर लोगों ने परमिशन दे दी तो मैं वीडियो अपलोड कर दिया करूंगा, अगर नहीं तो वो वीडियो आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिल जाएगा। जो वीडियो यहाँ पर अपलोड नहीं होगी वो फेसबुक पेज पे अपलोड हो जाएगी। तो मेरा फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब जरूर कर फॉलो जरूर कर लीजिएगा उसको, ठीक है। और आपको बोल दिया कि जो चैनल जो वीडियोस मैं यहाँ पर अपलोड नहीं किया करूंगा मैं फेसबुक पेज पे पक्का अपलोड कर दिया करूंगा, ताकि आप लोग भी वो वीडियोस देख सकें, ठीक है। क्योंकि बनाऊंगा तो फिर अपलोड नहीं करूंगा तो फायदा क्या बनाने का, सही। माफी। तो गाइज आज है हम लोग देखने के लिए तुम कौन पिया, ओएसटी राहत फतेह अली खान थी ये मिस का कोबल। अबे ये उर्दू वन का नहीं कर सकते, उर्दू वन का ओके। अगर स्ट्राइक आ गई, अगर कॉपीराइट आ गया तो फिर मैं उधर अपलोड कर दूंगा, नहीं आया तो फिर मैं फेसबुक पेज पे अपलोड कर दूंगा, आपको मिल जाएगी वहां पे, ठीक है। गाइस अगर आ गया तो फिर यहीं पे, अभी हम लोग ये देखेंगे कैसा है, कैसा तुम कौन पिया ओएसटी। और ये रिक्वेस्ट थी हम लोग की कोमल, कोमल की तरफ से। थैंक यू सो मच कोमल आपकी रिक्वेस्ट के लिए। अभी हम लोग ये देखते हैं, ओके देखते हैं कैसा है। तुम कौन पिया, मैं अब तुझे इसकी स्टोरी बताता हूं। तुम कौन, ये लड़का है ना जो, और लड़की, एक मिनट ठहरू मैं बोलता हूँ। ये लड़का है, ये शनावाद, ये लड़की है, ये लड़की है, सॉरी ये लड़की है। जो माँ बाप बाप होते हैं ना, वो दोनों कजन होते हैं आपस में, लेकिन लड़के का बाप अमीर होता है, लड़की का बाप गरीब होता है, वो उसके ऑफिस में काम करता है, ठीक है। उनकी 3 बेटियां होती हैं। ये लड़का बहुत सीधा होता है, सबको बड़ा प्यार देता है, भले छोटा वो बड़ा होता है, लाइफ में उसको बड़ा इज्जत देता है, बड़ा प्यार करता है। तो उसके बाप को वो अच्छा नहीं लगता कि ये नौकरों से ऐसा बिहेव करे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि ये उसको घर पे ड्रॉप करने जाते, उसकी बाइक खराब हो जाती है। और ये कजन होते हैं, लेकिन आप अपने आप को बड़ी देर के बाद देखते हैं, वहां भी इनको एक दूसरे से पहली बार उन्हें देखते कि पहली बार पहले नजर में प्यार हो जाता, फिर बाद में इन्हें बोलता नहीं लोगा नहीं होना, इन लोगों से नहीं करता हूँ मैं शादी। इसकी अम्मा, ये लोग एक दूसरे से बातें मतलब पता कैसे करते थे, आंखों से एक क्या बोलते हो खाली दिल में बोल लेते थे, एक दूसरे किसी और से हो जाती है, ठीक है। और वो लड़का किसी और से प्यार कर रहा होता है, ठीक है। तो ये उससे अमीर होता है तो उसके हस्बैंड की मदद करता है काम के लिए, ये वो। तो ये लोग लालची होते हैं, इसके फैमिली में ये इसको कुछ अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो इसका भाई उसके इसके हस्बैंड को इसके खिलाफ कर देता है, इसके माँ बाप सब। तो ये इन दोनों की कजनों को आपस में कुछ गलत समझते हैं, ठीक है। फिर इनका बेटा होता है, ये लड़की मर जाती है। बेटे बेटे को संभालने के वास्ते उसकी बहन से शादी करता है। याद है तुझे स्टोरी बताई थी, ये वो ड्रामा है, ठीक है। बड़ा आला लगा मुझे, फेवरेट ड्रामा मेरा ये तुम कौन पिया, मैंने देखा वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आला लगा, बहुत ही प्यारा लगा मुझे। अब अरसलान से पूछते हैं, अरसलान बताओ गाना कैसा लगा। गाना तो जबरदस्त लगा, कई दिनों के बाद ऐसे मतलब गाना सुना मैं। वैसे तो ज्यादा आजकल गाने सुन रहा हूँ, बिना टाइम नहीं मिल रहा,
यार वो बात और है। एक बात रिएक्शन मतलब वीडियो से हटके एक बात बोलना चाह रहा हूँ। बात ये है कि इतने दिन बाद कैमरे के सामने आके रिएक्शन बना के मजा आ गया, जरा अच्छा फील हो रहा भाई, और कुछ भी नहीं पर अच्छा लग रहा। और सवाल रहा वीडियो का, तो ये तो आई थिंक पहले भी हम लोग इस पे एक रिएक्शन वीडियो बनाए थे, आई थिंक गोल्ड चैनल पे नहीं था। वो गाने भी नहीं बनाए थे, वो हम लोगों ने इसके सीन पे रिएक्शन बनाया था। हाँ वो जहाँ पे ये बैठ के बगीचे में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, वो हम लोगों ने गाने पे नहीं उसके सीन पे रिएक्शन दिया था, लेकिन वहां पे गाना था थोड़ा सा। गाना तो मालूम है, राहत फतेह अली खान साहब की वॉइस है तो लादी में गाने के बोल भी औसम रहते हैं उनकी वॉइस में, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मैजिक है। हाँ। वो तो बोल मजा आ गया, मजा आ गया। और बोल तो हाँ भाई समझा रहे थे पूरे गुलामी को, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। आई होप कि आपको मजा आएगा। नहीं नहीं एक मिनट, मैं आती कि तुम्हारे पूरे सैड सॉन्ग्स कई को याद आ रहे समझ में। ये मैं अकेला सैड सॉन्ग ही बनाता हूँ रिएक्शन, सारे बग्गा के सारे रिएक्शन बनाता हूं। कई को आजकल तुम सैड कई को रह रहे हो भाई, बोलो मेरी गैर मौजूदगी में कुछ हादसे हुए क्या? हादसे जिंदगी में ही होते हैं और किधर होते हैं भाई, कुछ हादसे जिंदगी बदल देते हैं। हाँ जो तेरी बदल गया जिंदगी, जान दो बड़े भाई कई को चुप था इसके साथ भी, इसकी पूरी जिंदगी बदल दी। जाने दो बेचारा इंडिया से कुवैत आया। अरे ओके गाइस, मिलेंगे अगले वीडियो में। गाइस जाके प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मुझे ये फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को फॉलो करो। ओके मिलेंगे अगले वीडियो में गाइस, लव यू, बाय।